सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हावड़ा जंक्शन। वेलकम बैक टू इन अनदर वीडियो। और रियल में अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी शाम का 4 बज रहा है। और आज आपका ये कोलकाता ब्लॉगर एक्सप्लोर करने वाला है ये पूरे हावड़े जंक्शन को। आपको टिकट कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको होटल कहाँ पे मिलेगा, अगर आप यहाँ से अदर प्लेस पे जाना चाहते तो आपको बसेस कहाँ से मिलेगी, इसके अलावा यहाँ पे आपको आसपास में फूड कोर्ट की फैसिलिटीज़ कहाँ पे दी गई है, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट कहाँ है, और अगर आप टाइमिंग से पहले आ जाते तो आप पे कहाँ पे टूरिस्ट प्लेस पे घूम सकते हैं, इससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विद इंफॉर्मेटिव। तो वीडियो को इसी तरीके से पूरा देखते रहिए और अपने इस ब्लॉगर के साथ द सिटी ऑफ जॉय में एंजॉय करते रहिए। आपके सामने पेश है हावड़ा जंक्शन और ये इंडिया का ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट जंक्शन में से एक है। और ये लगभग 170 ईयर्स ओल्ड जंक्शन है, जिसे आप पे अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं ये इंडिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। और इसके जस्ट अपोजिट साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पार्किंग स्लॉट, ये 2-व्हीलर का पार्किंग स्लॉट और इसके पास में यहाँ पे 4-व्हीलर्स का पार्किंग स्लॉट। और यहाँ पे देख सकते हैं पार्किंग चार्ज कितना लगता है। पार्किंग रेट्स ऑफ ईस्टर्न रेलवे हावड़ा ऑन डेली बेसिस फॉर एवरी टूअर्स, 2-व्हीलर के लिए आपको 15 रुपया प्लस GST चार्ज, आपको मीन्स कुल मिलाकर आपको 18 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। 4-व्हीलर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा लग्जरी बस के लिए आप देखो और इन्जॉय करो। और यहाँ पे ये है इसका टिकट काउंटर। आपके सामने पेश है हावड़ा ब्रिज और हावड़ा ब्रिज के पास में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये है हावड़ा जंक्शन का ये यहाँ पे ओल्ड कॉम्प्लेक्स और इसका यहाँ से मेन एंट्रेंस। और यहाँ आसपास में बैठने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे बैठकर ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और इसके पास में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ का इंक्वायरी रूम और इस इंक्वायरी रूम के पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या ATM और इस ATM के पास यहाँ पे इसका मेन एंट्रेंस और यहाँ से भी आप एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप वहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं और अगर आप प्री पेड टैक्सी बुकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा हमारे साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल प्री पेड टैक्सी फॉर सेल जर्नी डायल इतना करके आप बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे पास में लोग चिल कर रहे हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पास में, आस पास में बैठने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई। और इसके सीधे आप चलते जाएंगे तो आपको न्यू कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा जो 17 से 23 नंबर प्लेटफॉर्म आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे अभी हमें ओल्ड कॉम्प्लेक्स के मेन एंट्रेंस के पास और मेन एंट्रेंस से जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको पास में देखने को मिलेगा टिकट काउंटर और टिकट काउंटर से लोग टिकट परचेस करते हुए। और यहाँ पे आसपास में बैठने की भी फैसिलिटीज़ दी गई है जैसे कि आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए। और इसके पास में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ का पे एंड यूज टॉयलेट, इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ का यूरिनल। और यहाँ पे आसपास में बैठने की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, आप यहाँ पर आके बैठ सकते और चिल कर सकते जैसे कि लोग कर रहे। तो आप साइन बोर्ड देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 to 23 जाने के लिए आपको ये रूट से जाना पड़ेगा यहाँ पे लोग जाते हुए। और अगर आपको यहाँ का बस स्टैंड जाना है तो बस स्टैंड जाने के लिए आपको ये रूट से जाना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको टिकट चाहिए प्लेटफॉर्म टिकट ये सब टिकट यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पास में भी ये टिकट काउंटर, यहाँ से भी आपको टिकट अवेलेबल हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं
क्राउड काफ़ी क्राउड है, और अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो इसके लिए सॉरी। और अगर आप यहाँ से कुछ परचेस करना चाहते हैं, अगर चिल्ड्रन है तो इसके लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टॉल्स देखने को मिलेगा जो आपके सामने पेश है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टॉयज वगैरह ढेर सारे मिल जाएंगे, यहाँ से आपको ढेर सारे रूट देखने को मिलेगा जो आप यहाँ तक आ सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लेटफॉर्म टिकट परचेस करने के बाद हावड़ा जंक्शन के अंदर में एंटर किए, और वहाँ पे जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो शेयर करने वाले हैं पहले, उसके बाद फिर आप लोगों को हम बतलाएंगे कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ दी गई है। तो वहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं था, तो अपने रिस्क पे मैंने वहाँ का वीडियो किया, जैसे वहाँ पे फूड कोर्ट, वॉशरूम, टिकट काउंटर, इसके अलावा वहाँ पे कहाँ पे बैठने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे कहाँ पे साइन बोर्ड है जो ट्रेन टाइमिंग वगैरह शो करते रहता है। और आप लोगों को अब हम बतलाने वाले हैं यहाँ पे अगर आप हावड़ा जंक्शन से अदर प्लेस पे जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ से बसेस मिलेंगे, इसके अलावा बाहर साइड में आपको वॉशरूम की फैसिलिटीज़ कहाँ पे दी गई है, इसके अलावा यहाँ पे आप कहाँ पे आकर ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, अभी ये सारा कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए और अपने इस व्लॉगर के साथ इंजॉय करते रहिए। ये है कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, और इस हावड़ा ब्रिज के पास यहाँ पे कोलकाता का हावड़ा जंक्शन, और ये जंक्शन के पास यहाँ पे बस स्टैंड, यहाँ से बेसिकली सियालदा और सियालदा कोर्ट के लिए आपको बसेस प्रोवाइड हो जाएगी। और वॉशरूम के बारे में बात करें तो यहाँ पे पे एंड यूज़ वॉशरूम है अवेलेबल, और इसके आसपास में आपको ढेर सारे स्टॉल्स देखने को मिलेगा, जैसे प्लांट्स का स्टॉल, इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है यहाँ पे जहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको फूल का भी ढेर सारा स्टॉल देखने को मिलेगा। और आप चलते हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड, आपके सामने पेश है हावड़ा ब्रिज, और हावड़ा ब्रिज के पास में यहाँ पे ये हावड़ा बस स्टैंड, और हावड़ा बस स्टैंड के पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ढेर सारा साइन बोर्ड, जैसे कि देख सकते हैं आप AC1 हावड़ा से जादवपुर, इसके अलावा AC5 हावड़ा से कहाँ है देख लो आप लोग, इसके अलावा 35C हावड़ा से गाड़िया स्टेशन, यहाँ पे आपको साइन बोर्ड देखने को मिलेगा, आपको जहाँ जाना है अदर प्लेसेस पे तो आप जा सकते हैं। और यहाँ पे ये सारी बसेस ये फैसिलिटीज़ दी गई है, और वाशरूम के बारे में बात करें तो ये यहाँ पे एंड यूज़ वाशरूम की फैसिलिटीज़ दी गई है, और यहाँ पे है गेट नंबर 6, और गेट नंबर 6 से जैसे ही बराएंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे स्टॉल्स देखने को मिलेगा, जैसा कि देख सकते हैं शुगर केन का स्टॉल, इसके अलावा यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक एंड स्नैक्स का स्टॉल, यहाँ पे अदर प्लेसेस पे मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक स्नैक्स यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली आपको पड़ेगा, आप पे आपकी चॉइस है, जो आप लेना चाहिए आप ले सकते हैं। वैसे हावड़ा बस स्टैंड से रिलेटेड आप लोगों को हमने ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बताया, क्योंकि हमने इस पे एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एस्प्लेनेड और बाबूघाट का भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी डिटेल्स में, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे टाइमिंग से पहले आ जाते हैं तो आप यहाँ पे कहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको 2-3 टूरिस्ट प्लेस देखने को मिलेगा, पहला यहाँ पे आपको प्रिंसिप घाट जहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरा हो गया बी गार्डन जो यहाँ से थोड़ा दूरी है प्रिंसिप घाट के कैंप्रीजर में, तो इसके अलावा यहाँ पे आगे फोटोग्राफी कर ही सकते हैं, जो कोलकाता का एक अलग पहचान रखता है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और ये सब बसेस जब हम ब्लॉक करेंगे तभी किक करते जाएगा। और इसके अलावा आज का वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट के थ्रू बतला सकते हैं, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आया वो हमें लाइक के थ्रू बतला सकते हैं, और जिन लोगों को वीडियो पसंद नहीं आए वो हमें डिसलाइक के थ्रू बतला सकते हैं, लेकिन लाइक और डिसलाइक वाला बटन कृपया छोड़कर मत जाइएगा।
और इसके अलावा आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे कि आपका ये कोलकाता ब्लॉगर इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता है, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो, मार्केट हो, इसके अलावा फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन देते रहते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर मेक अ पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अलविदा, शुक्राना, माशाल्लाह, टेक केयर माई लवली फ्रेंड्स। बूम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को हम बतलाना चाहेंगे कि बाबू घाट और बी गार्डन का भी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर मेक अ पार्ट ऑफ द डे। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अलविदा, शुक्राना, माशाल्लाह, टेक केयर माई लवली फ्रेंड्स। बूम।